गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला 2500 दिन भी जारी है और फिजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 219 फलस्तीनी शहीद हो गए। बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 8525 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बयान में मजीद बताया गया कि शहीद अफराद में 3542 बच्चे और 2187 ख्वातीन भी शामिल हैं। इसी तरह अब तक 21543 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बयान के मुताबिक 2000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारात के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें 1100 बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना था कि इसराइल की जानिब से अस्पतालों और तिब्बी मराकज को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का सिलसिला भी जारी है। बयान में बताया गया कि तिब्बी टीमों के खिलाफ जंगी खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है और 130 तिब्बी वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। बयान के मुताबिक अब तक 57 तिब्बी मराकज को इसराइल ने जानबूझकर निशाना बनाया, जिनमें से 32 मराकज ईंधन की कमी अतबाह होने के बाइस बंद हो चुके हैं। गजा के तर्क फ्रेंडशिप कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, जिसकी वजह से अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया और कैंसर के शिकार मुतअद्दिद मरीजों को इस वजह से मुश्किलात का सामना है।